आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। 48 वोल्ट इन्वर्टर का महामुकाबला होने वाला है कि आखिर क्यों चाहिए आपको 48 वोल्ट का इन्वर्टर, किसको ज़रूरत है, 48 वोल्ट इन्वर्टर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अगर इसकी सर्विस नहीं मिल रही है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कैसे कंप्लेंट करें, चाहे आपके पास कोई भी इन्वर्टर हो, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कंप्लेंट कैसे फाइल करना है, सब कुछ आज मैं बताऊँगा। वास्तव में देखिए, ये जो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है किसको ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, ठंडा ज़्यादा पड़ता है, धूप कम मिलता है, क्योंकि फास्ट चार्ज हो जाता है। और सोलर सिस्टम अगर आप लगवाना चाहते हैं लिथियम फॉस्फेट बैटरी वाला, तो आपको ध्यान रखना है इस इन बैटरी की ज़रूरत उसको है जिसके अगल बगल घर के अपार्टमेंट है, सिर्फ 4 से 5 घंटा धूप मिलता है। ये देखिए 100 AH की लिथियम सोलर बैटरी 96,000 की नेक्सस कंपनी की है, ध्यान से देखिए आप। और ये जो नेक्सस कंपनी की लिथियम की बैटरी है 96,000 की, ये मान के चलिए कि 5 से 6 यूनिट, मान लेते हैं 6 यूनिट अपने अंदर स्टोर करता है, तो किसको ज़रूरत है ये मैंने बता दिया। तो लिथियम बैटरी चाइना का है, आपको पता ही है, इंडिया में अभी तक इसका प्लांट लगा नहीं है, लेकिन लग रहा है काम इस पर स्टार्ट है। तो आने वाले टाइम में आपको आयरन फॉस्फेट बैटरी देखने को मिलेगा, ग्रेफाइन बैटरी देखने को मिलेगा, तो इस तरह से आगे कंपनियां बढ़ती रहेंगी। लेकिन अब आते हैं पॉइंट पे। देखिए, चाइना मोबाइल से लेके हर मोबाइल में अपने न्यूक्लियर बैटरी लगाने पे आ चुकी है। चाइनीज़ मोबाइल में न्यूक्लियर बैटरी लग रही है, आपको पता ही होगा। धीरे धीरे चाइना हर चीज़ में अपना इम्प्रूवमेंट करते जा रहा है, हम लोग उसका कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। बस चाइना से माल उठाया जा रहा है, टैग मार दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। तो आप माइक्रोवेव नागल सर का चैनल देखिएगा। अब ध्यान से देखिए, गुड न्यूज़ है, आशा पावर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। ये 48 वोल्ट के इन्वर्टर में 80 एम्पियर, ध्यान से सुनिए, 80 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर 48 वोल्ट के इन्वर्टर में ये जून में लॉन्च होने वाला है। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और मैं आपको पिछले वीडियो में बताऊँ कि एम्पियर वर्क कैसे करते हैं, एम्पियर का ज़रूरत क्या है। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये देखिए 48 वोल्ट का जो अलग अलग इन्वर्टर कंपनियां हैं, इस यहाँ पे माइक्रोवेव नागल सर का, अरविंद सर का ये चैनल का मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें स्मार्टेन, इप्रो, लिवगार्ड, 3 कंपनियां हैं। तो 5वें नंबर पे देखिए NLC नो लोड करेंट 1.83 एम्पियर स्मार्टेन का है, इप्रो का है 1.5 एम्पियर और लिवगार्ड का है 2.7 एम्पियर। 48 वोल्ट के 1 एम्पियर में लगभग 50 वाट मान के चलिए, 1 एम्पियर में 50 वाट। तो आप समझ लीजिए कि कितना खा रहा है आपका इन्वर्टर, जिसको हम लोग पावर लॉस बोलते हैं, बिना लोड के। ईप्रो भी 1.5 एम्पियर, मतलब 75 वाट सबसे कम ईप्रो ही खा रहा है अभी। लेकिन अगर कॉपर ट्रांसफार्मर CRGO का रहता तो पावर लॉस 0.7 एम्पियर हो जाता, जिससे कि करीब 30 वाट 40 वाट लेता। तो इसीलिए कॉपर ट्रांसफार्मर सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अरविंद सर का मैं वीडियो देखने के बाद कई सारे इन्वर्टर कंपनियों का कंपैरिजन आपके सामने ला गया हूँ। ये देखिए चाइनीज़ जो 48 वोल्ट के इन्वर्टर हैं, अलीबाबा के वेबसाइट पे, अली एक्सप्रेस पे ये सब मिल रहे हैं, इसी को उठा के इंडियन टैग मार दे रहे हैं कंपनी और बेच रहे हैं कंपनियाँ, इसीलिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना रेट में बेच रही है, साल साल भर की वारंटी। आप खुद सोचिए, आपको हैवी लोड चलाना है। आगे मैं आपको वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना, सुनने के बाद आप कहिएगा कि मैं क्यों बता रहा हूं। ये सब ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है, मेड इन चाइना है, चाइना से उठा के यहाँ पे लाया जा रहा है। ये ख़राब हो जाएगा तो इसका पार्ट्स नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, जाहिर सी बात है इसका जो बैकअप है वो पावर लॉस में बहुत बहुत कम, 95% एफिशिएंसी, इसीलिए लोग ले रहे हैं। यही रीज़न है कि देखिए आने वाले समय में ना, ज़्यादा नहीं 2-4 साल, प्योर मेड इन इंडियन कंपनियों के लिए खतरा बन जाएगा अगर नहीं ध्यान दिया गया। धीरे धीरे मार्केट में ट्रांसफार्मर लेस चाइना वाले घुस जाएंगे अगर मेहनत नहीं किया गया तो। तो इन्वर्टर ब्रांड को ज़रूरत क्या है, कंपनियों को ज़रूरत है अगर उठाना है तो सबसे पहले अपने ये जो कॉपी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो रहा है सोलर इन्वर्टर में, इसको छोड़ के आप खुद से अपना बनाएं, उसका कॉपी करें, तब जाके इंडिया का ग्राफ उठेगा। चाइना का ग्राफ देखिए किस तरह उठते जा रहा है। अब आते हैं ये सब जो इंडियन कंपनी की बैटरी है, ट्यूबलर बैटरी, इस पे ज़रूरत है अच्छे से अच्छा सेल लगाने की। इसके अंदर देखिए थोड़ा सा आपका एक गलती ना है, एक बार आप मान लीजिए किसी कंपनी का बैटरी लिए और वो थोड़ा सा बैकअप कम दिया तो लोगों का विश्वास टूटेगा। इतने सारे इन्वर्टर हैं लेकिन लोगों को क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए, 48 वोल्ट में CRGO कॉपर ट्रांसफार्मर चाहिए, CRGO कॉपर ट्रांसफार्मर, 100 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर चाहिए, ये चीज़ें चाहिए 50,000 के अंदर, 50 मैक्सिमम 55,000 में, तब जाके। और 100 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर रहेगा तो उससे बहुत फ़ायदे होंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक कार, फ्यूचर तो इसी का है, आप कार को चार्ज करना चाहते हैं, तो 48 वोल्ट का आपका इन्वर्टर अगर 100 एम्पियर का है और ये 5,000 वाट, 5,500 वाट तक का सोलर पैनल है, तो आप उस पर EV कार, अपना इलेक्ट्रिक कार आगे चल के लेंगे तो वह आप उस पर चला सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, जिस पे कि 3 AC आराम से चल जाए, ये मान के चलना है
कि आपका सोलर पैनल पे 3 AC चल जाए और रात को बैटरी पे भी घर का लोड चले, इलेक्ट्रिक EV ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी मार्केट में चली है ये सब भी चार्ज हो जाए, तो हमें ऐसे सोलर सिस्टम की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या चाहिए, 5500 वाट का पैनल हो छत पे, 550 वाट चाहे सब चाहे 575 वाट का एन टाइप का जो आ रहा है वो छत पे लगा रहा है, करीब 5000 से 6000 वाट तक का पैनल 48 वोल्ट का। देखिए आशा पावर का मैं क्यों दिखाता हूँ, ये एक इंडियन ब्रांड है जो कि टोटली इंडिया का बनाती है, इसका एक 30-24 मॉडल है जो कि डोमेस्टिक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर कॉपर ट्रांसफार्मर CRGO का दिया है, अब ये 48 वोल्ट में आने वाला है। ये बहुत ही गुड न्यूज़ है इंडिया के लोगों के लिए, अगर ये मार्केट में 48 वोल्ट में CRGO कॉपर जून को जैसे ही लॉन्च होगा लोग ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर को भूल जाएंगे। पावर लॉस का तो एकदम 0.7 एम्पियर है, पावर लॉस एकदम नाम मात्र का है, और 80 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया है, इस पर 4 बैटरी भी चार्ज हो जाएगा, 8 बैटरी भी चार्ज हो जाएगा, लिथियम बैटरी भी अगर आप चाहेंगे तो वो भी लगा सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए आशा पावर किस तरह से काम कर रही है, तो इंडिया ब्रांड चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। रही बात ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर की, तो बिल्कुल उसी की तरह सेम एक मेरा दोस्त है, तो वो मुझे बताया कि उसके जूनियर जो हैं IIT कानपुर के टीम लड़के बनाने पर लग गए हैं, और वो बोल रहे हैं कि उसको पेटेंट करा के हम लोग रिलायंस को या टाटा को सेल कर देंगे। तो वो लोग बोल रहे हैं कि 93-94% एफिशिएंसी पे हम लोग ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर बनाएंगे, अगर उन लोग का जिस दिन तैयार हो जाता है, वो लोग बोल रहे हैं लगभग 5-6 महीने लग जाएंगे। तो टीम लड़के लग चुके हैं IIT के ट्रांसफार्मर लेस खुद का बनाने का, इंडियन का, जैसे BLDC फैन IIT मुंबई वाले BLDC फैन पे कितना अच्छा डेवलपमेंट किए, उसी तरह से हम लोग को कंपनी को कॉपी करने की ज़रूरत है, चाइना से माल उठाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमें ऐसा इन्वर्टर चाहिए कि जिसपे कि 4 बैटरी भी चार्ज हो जाए और पैरेलल करके 8 बैटरी भी चार्ज हो जाए। तो ये कैसे होगा, ईप्रो का जो मॉडल है ना, ईप्रो 5625, उसमें 100 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर दिया है, 50,000 के अंदर में जो इन्वर्टर है ईप्रो 5625 100 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर, जिससे कि आप 8 बैटरी पैरेलल करके चार्ज कर सकते हैं। तो इन बैटरी को चार्ज करने के लिए ये देखिए आपके सामने ईप्रो 5625 48 वोल्ट 109 एम्पियर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, लेकिन इसमें भी एक कमी है, CRGO कॉपर ट्रांसफार्मर नहीं दिया है, जिसके चलते इसका पावर लॉस 1.5 एम्पियर यानी कि नो लोड करंट पे 75 वाट लेता है, यह इसकी सबसे बड़ी कमी है। और यहीं देखिए आपका लिथियम जो बैटरी है ये 96,000 की है, अगर हम लोग 96,000 का ये बैटरी लेते हैं और 8 बैटरी वो लेते हैं जो आपको 200 AH की है, पर बैटरी 12-13,000 की पड़ेगी 5 साल की वारंटी की, दोनों को कैलकुलेट कीजिए, उन 8 बैटरियों में आपका सीधे 12 यूनिट स्टोर होगा। 12 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 12 यूनिट का मतलब हो गया कि रात में आप 2 AC चला सकते हैं, रात भर घर का सारा लोड चला सकते हैं। वहीं एक 96,000 का ये जो 48 वोल्ट का लिथियम बैटरी है मैक्सिमम इसमें 6 यूनिट स्टोर होगा। तो इसमें तो मेन चीज़ है उद्देश्य क्या है, हम लोग का पैसा बचाना, बात को समझिए, बिजली बिल जो आपका आ रहा है वो ना आए, इसी के लिए हम लोग सोलर लगा रहे हैं ना, ऐसा ना हो कि पता चल रहा है 2000-3000 बिजली बिल महीने का आ रहा है और किसी के बात में आके झांसे में आके 4,00,000-3,00,000-2,00,000 का लगा लिया सिस्टम, उसकी ज़रूरत नहीं है। 50,000 का इन्वर्टर आप 4 ट्यूबलर बैटरी ले ले 12-12,000 का, चाहे 13-13,000 का ले ले, 5-5 साल वारंटी वाला आपका काम हो जाएगा। और आशा पावर इसमें CRGO कॉपर ट्रांसफार्मर दिया अच्छा है, लेकिन अब ध्यान से देखिए माइक्रोवेव नागल अरविंद सर, इनका सोलर नाव बस 2 दिन में इनके वेबसाइट पे, मतलब 15 तारीख को बहुत कुछ चढ़ने वाला है। ये ट्रांसफार्मर लेस भी इन्वर्टर ये भी तो बाहर से ही मंगाएंगे, लेकिन ये सर्विस अच्छी देंगे, तो कम से कम जो लोग एकदम बिल्कुल पड़ गए हैं पीछे कि हमको चाहिए ट्रांसफार्मर लेस, तो ये बिल्कुल इनसे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो पहल किए हैं कोई नहीं करेगा। इन्होंने कई कंपनियों का राज खोल दिया है, जैसे बैटरी 150 AH की होती है तो कितना एम्पियर दे रही है, सारा वीडियो सब कुछ आपके सामने है, मैं कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, बस आप इनका वीडियो खोल के देखिए, बैटरी कंपैरिजन बाय माइक्रोवेव नागल, आपको खुल के सामने आ जाएगा सब कुछ, पावर लॉस के कौन इन्वर्टर कितना कर रहा है सब कुछ आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 4.5 इंच का कॉपर ट्रांसफार्मर ये यहाँ पे प्योर CRGO का बनाकर अपने आँखों के सामने किस तरह से ये सोलर चार्ज कंट्रोलर इन्वर्टर तैयार कर रहे हैं। तो इन्हीं से अब उम्मीद है हम लोगों को, बहुत उम्मीदें हैं, बस ये प्राइस सही लेके आएँ। और दूसरी चीज़, अगर ये कॉपर ट्रांसफार्मर CRGO 48 वोल्ट 24 वोल्ट 12 वोल्ट कॉपर ट्रांसफार्मर CRGO और 80 एम्पियर 12 वोल्ट में कम से कम, 24 वोल्ट में 100 एम्पियर और 48 वोल्ट में 100 एम्पियर सोलर चार्ज कंट्रोलर अगर ये दे देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मार्केट में कोई खड़ा नहीं होने वाला होगा इनके आगे। तो लोगों को क्यों चाहिए ट्रांसफार्मर वाला CRGO का
ये CRGO टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि आप फ्यूचर में ईवी कार लेते हैं, 2030 तक सब कुछ ईवी हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक कार, उसको आप चार्ज करेंगे तो 3500 वाट पर आवर वो लेता है। अब वही ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर पर आप 3500 वाट कार चार्जिंग 7 घंटे 8 घंटे दिन में लगा देंगे, बाकी घर का लोड अप डाउन चलाते रहेंगे, फ्रिज रेफ्रिजरेटर ये सब चलाते रहेंगे, वाशिंग मशीन, आपको क्या लगता है उसके कंपोनेंट कितने दिन चलेंगे? आप ठंडे दिमाग से सोच के बताइए। एक तो वो चाइना से आया है, उसका कोई भी पार्ट्स ख़राब हुआ, एक IC मार देगा तो पता चलेगा कि नहीं मिल रहा है इंडिया में, परेशान हो गए लोग। और यहीं पे जो मेड इन इंडिया ब्रांड है, जैसे कि आशा पावर ईप्रो, अगर आशा पावर ईप्रो टाइप कर लें, ईप्रो के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग सोलर चार्ज कंट्रोलर है, स्ट्रॉन्ग इन्वर्टर है, एक जगह पे ईप्रो मिस हो जा रही है, CRGO कॉपर ट्रांसफार्मर लगाने पे। और आप देख लें, अगर दोनों एक हो जाएं तो कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। तो मैं आपको देता हूँ ये टोल फ्री नंबर, लेकिन इस नंबर का मिसयूज़ ना करें, जब कंपनी कोई एक्शन ना ले, जब आपका सर्विस ना हो, जब आप पूरी तरह परेशान हो जाए, तभी इस नंबर का यूज़ करें।